हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एक्सप्रेस एंट्री कट ऑफ। आने वाले दिनों में एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ कैसे रहेगा? जैसे कि आप सभी ने देखा कि लास्ट जो निकला 13 फेब को, उसमें जो बहुत बड़े नंबर्स में अप्रॉक्स 27,332 ITA इशू किए गए IRCC की तरफ से। ये सभी ITA उन लोगों को इशू किए गए जिनके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस था, मीनिंग कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पीपल्स को जो ITA इशू किए गए। फिर चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो जिन्होंने स्टडी परमिट के बाद ओपन वर्क परमिट के थ्रू अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया हो, या वो लोग जो वर्क परमिट के को लेकर वहाँ पर विजिट किए और उन्होंने मिनिमम 1 ईयर का अपना वर्क एक्सपीरियंस कम्प्लीट किया हो और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में लगाई हो, उन सभी लोगों को जे ITA इशू किए गए। और लोअस्ट CR स्कोर जो कट ऑफ रहा वो 75, अप्रॉक्स 431 जो लोअस्ट CR स्कोर रहा। इसको देखते हुए बहुत सारे लोग जिनका CR स्कोर इसके ऊपर था मगर उनका फाइल एक्सप्रेस एंट्री में नहीं था, वो बहुत पछता रहे हैं। उन वो सोच रहे हैं कि उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। मगर आने वाले दिनों में इसका जो इम्पेक्ट है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में अगर हम बात करें, आप अगर CEC की बात करें तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े नंबर्स में जिनके CR स्कोर 410 ऑनवर्ड्स हैं, वो सभी फाइल्स आपको एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशंस जो वो फाइल होती हुई देखने को मिलेंगी। और अगर हम देखें कि इसका फेडरल स्किल वर्कर पे क्या इम्पेक्ट होगा, इस पे भी आपको बहुत बड़े नंबर्स में फ़ाइल ऐड होती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि इससे एक उम्मीद पैदा हो चुकी है। जैसे कि हम IRCC का जो अनाउंसमेंट है, अगर हम उसको देखें कि 4 लाख जो उन्होंने इमिग्रेंट्स को ITA इशू करना है इन 1 ईयर, उसी का अगर हम 12 मंथ पे डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स 33,000 टू 35,000 ITA उनको हर मंथ इशू करने पड़ेंगे। उसी कड़ी में जो स्टेप था, और आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही रिजल्ट बहुत बड़े नंबर्स में ITA देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़े नंबर्स में जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, मान लीजिए 440-450 जिनका CR स्कोर बन रहा था, वो लोग सोच रहे थे कि शायद हमारा नंबर ना आए, मगर अभी वो सभी फाइल्स आपको एक्सप्रेस एंट्री में देखने को मिलेगी। इससे हो सकता है कि आने वाला जो ड्रॉ है उसमें 440 के नीचे जो CR स्कोर ना जाए, क्योंकि नंबर्स बढ़ सकते हैं, हो सकता है 450 तक ही ये जो कट ऑफ है वो रुक जाए। आने वाले दिनों में मेरे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा होंगी और जो CR स्कोर है इससे थोड़ा हाई जा सकता है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने कोशिश की है कि आपको, बहुत बड़े नंबर्स में हमें क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर अगर 431 पे गया है कि आने वाले दिनों में ये और नीचे जा सकता है, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सभी को निराश नहीं करूंगा, आप सभी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक लॉटरी सिस्टम है। अगर आपने लॉटरी डालोगे तभी आपको प्राइज निकलने की उम्मीद है, अदरवाइज़ क्या होगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि काश हमारा फाइल एक्सप्रेस एंट्री में होता तो शायद हमें भी ITA इशू हो जाता। तो ये एक ऐसा ही सिस्टम है, आपको अपना फाइल, फिर चाहे आपका 410 आपका CR स्कोर है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फाइल है जो एक्सप्रेस एंट्री में लगा कर रखिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो कट ऑफ है 410 तक भी पहुंच जाए। अगर आप हमसे अपना फाइल है जो प्रोसेस करवाना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम जो भी बेस्ट आपके लिए सर्विस दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताजो उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जो जिनके मन में कनाडा जाने का एक सपना है, कनाडा में PR होने का सपना है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहां पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच।